क्योंकि आपको सभी देख रहे हैं। जजेज आपको देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, दूसरे साइड से करेंगे। सामान्य अवस्था में आके तो फिर दूसरे साइड से करेंगे। चलिए दूसरे साइड से। आने जाने का क्रम, पोजीशन की स्थिति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सामान्य अवस्था। त्रिकोणासन का अभ्यास संपन्न हुआ। सभी लोग गरुड़ासन एक साथ अभ्यास करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ। गरुड़ासन का अभ्यास लेफ्ट, ये एक बार बता दिया गया कि लेफ्ट से शुरुआत करना, सबको लेफ्ट से ही शुरुआत करना, उससे देखने में अच्छा लगेगा, तो रिवर्स आपको अच्छा मार्किंग दे पाएगा। पोजीशन में आ जाए फिर इसके बाद काउंटिंग शुरू करते हैं। 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, दूसरे साइड से भी करेंगे। सामान्य अवस्था में आ जाए पहले, एक आसन से जो दूसरे आसन में जाते हैं तो पहले वृद्धि नॉर्मल कर लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे साइड से करिए। सभी लोग प्रसन्नता होनी चाहिए, चेहरे पे तनाव नहीं होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए, ठीक है। 1 स्टार्ट करिए। एकाग्रता प्रसन्नता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, देखिए आपको जितना समय मिल रहा है उसी में करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। तीसरा आसन नटराज आसन, लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे सभी लोग एक साथ, चेहरे पे थोड़ी मुस्कान बरकरार रखिए, ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेस में, सब लोग मुस्कान बरकरार रखिए। हाँ, प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मना स्वास्थ्य इत्य विधीयते, ठीक है, मन आत्मा और इंद्रिया प्रसन्न रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, सामान्य अवस्था में आएंगे और दूसरे साइड से भी परफॉर्म करेंगे। आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी राइट साइड की बॉडी बैलेंस है, ठीक है, दूसरे साइड से परफॉर्मेंस शुरुआत करेंगे। नटराज आसन, भगवान शिव का आसन है ये नटराज आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब सभी लोग वृक्षासन करेंगे, लेफ्ट लेग अप एक साथ। रिलैक्स हो जाइए पहले, ना आसन में रिलैक्स हो जाइए, फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे, जल्दीबाजी नहीं हो। वृक्षासन, स्थिरता, सहजता, सरलता एवं सजगता के साथ वृक्षासन का अभ्यास एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, दूसरे साइड से, दूसरे साइड से। पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, अब आप सभी लोग हस्तपादासन करेंगे। सामान्य श्वास कर लीजिए, सभी लोग एक साथ हस्तपादासन प्रारंभ करेंगे। पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। सामान्य अवस्था समय स्थिति, समय स्थिति, समय स्थिति का मतलब होता है कि अपने दोनों हाथ अपने थाइस पे रखना, इसको कहते हैं समय स्थिति साम्य अवस्था। खड़े होकर करते हैं तब, जब बैठते हैं तो दंडासन, ठीक है, लेटते हैं तो शवासन, ठीक है, ये सब चीजें आप जो जानी है। बैठ जाइए सभी लोग। बैठने में साम्य अवस्था होता है दंडासन, दोनों हाथ को अपने हिप के बगल में रखेंगे, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, चेहरे पे प्रसन्नता। रेडी है, प्रथम अभ्यास अर्धमस्येंद्र आसन। लेफ्ट लेग को लंबवत रखेंगे, राइट लेग को हिप के नीचे रखेंगे और अर्धमस्येंद्र आसन करेंगे। एक जैसा करें सब लोग, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जजेस आपको देख रहे हैं। वन पोजीशन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। श्वास सामान्य, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, दंडासन की स्थिति। रेडी है, दूसरे साइड से करिए अर्धमस्येंद्र आसन। बहुत ही अच्छा आसन होता है डायबिटीज के प्रबंधन के लिए, मधुमेह प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा आसन, किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा आसन। फैटी लीवर की समस्या है, इसको आप डेली करवाइए ना। वन टू थ्री स्थिति, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। सामान्य अवस्था समय स्थिति, ताली जोर से बजाया करिए। आवाज की सुनाई ताली की। चलिए अभी आप लोग अगले आसन के लिए तैयार हो जाइए, गोमुख आसन ना, नाम को सुनिए और उसका अभ्यास करिए। गोमुख आसन, गाय की तरह मुंह बनता है इसमें कहीं, तो उसको करना है अभ्यास गोमुख आसन। सभी लोग एक जैसे करेंगे, आप व्यूअर्स देखें, आपके जजेस देख पाए, आसन को ध्यान से समझेंगे और अभ्यास करेंगे गोमुख आसन। बहुत बढ़िया, वन टू स्थिति, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। दूसरे साइड से इसको भी करें, जिससे आपकी लेफ्ट नाड़ी और राइट नाड़ी बैलेंस रहे, इसलिए दोनों साइड से करना जरूरी है, ध्यान रखा करें। सूर्य और चंद्र स्वर आपका संतुलित रहे। जब पोजीशन में आ जाए, कहेंगे पोजीशन स्थिति, तो आप स्थिर हो जाएंगे जैसे रहेंगे वहीं पे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। समय स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट आसन है, नाम का नाम सुनिएगा ध्यान से, फिर अभ्यास करिएगा समझ के, पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन समझिए, नाम समझिए और अभ्यास करिए। वन टू थ्री प्रारंभ, प्रारंभ करें। जब स्थिति कहेंगे तो रुक जाइएगा आप उसके बाद। स्थिति, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन रिलैक्स। समय स्थिति, समय स्थिति मतलब साम्य अवस्था। आसनों में विशेष ध्यान रखना है, स्थिरम सुखम आसनम। आसन में स्थिरता प्रतीत हुआ, सुख का अनुभव, परिणाम सुखदायी। पश्चिमोत्तान आसन की बात करेंगे, शशक आसन या शशांक आसन जो आपका बोला गया है,
ढीला ढाला कपड़ा पहनना करें, टाइट ले लीजिए, कोई बात नहीं। स्थिति वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। साम्यावस्था, साम्यावस्था आ जाएगी। अंतिम अभ्यास बैठ करने वाले आसन, वक्रासन। पलिडंडासन में आ जाएंगे, आपका आने जाने का क्रम एक जैसा होना चाहिए। वक्रासन में लेफ्ट लेग बेंड करेंगे और वक्रासन का अभ्यास करेंगे एक साथ एक जैसे। सबको लेफ्ट राइट नहीं पता है, आप लोग का लेफ्ट राइट भी नहीं पता है आपको, चलिए कोई बात नहीं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। साम्यावस्था, आप लोग ध्यान से सुना करिए, मैं लेफ्ट बोला ना, लेफ्ट से करना होता है, फिर राइट से करेंगे वक्रासन का अभ्यास। ये भी डायबिटीज और किडनी फैटी लिवर की रोगों में बहुत लाता है। वक्रासन का अभ्यास, कोई बात नहीं, आपको गलत रहा तो उसी ने हिंट दे रहा था, आप गलत कर दे, कोई बात करिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, साम्यावस्था। इसीलिए ना, जब देखिए, योग का मतलब सिर्फ शरीर का अभ्यास नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, मन और शरीर को जोड़ के रखना, श्वास और शरीर को जोड़ के रखना, मन और प्रकृति को जोड़ के रखना, हाँ, प्रकृति को आत्मा से जोड़ के रखना, फिर आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखना, तब तो योग होगा। अब शरीर अगर आपका यहाँ है, आप लेफ्ट और राइट नहीं समझ पाएंगे तो गलत होगा। अब करेंगे लेट के करने वाले अभ्यास, ठीक है, लेट के करने वाला अभ्यास। प्रथम अभ्यास करेंगे पूर्ण चक्रासन, इधर सर कर लीजिए, सब सर इधर कर लीजिए, एक जैसी एक स्थिति। जब मैं स्थिति जब प्रारंभ करूंगा तो प्रारंभ करेंगे, स्थिति बोलूंगा तो रुक जाएंगे, इससे नंबरिंग अच्छे से की जाए। प्रारंभ चक्रासन का अभ्यास, पूर्ण चक्रासन का अभ्यास। स्थिति वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, साम्यावस्था। दूसरा आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे, लेफ्ट साइड से तरफ बदलते हुए लेटे। ये इसमें भी नंबर दिया जाता है आप लोग, लेकिन ध्यान नहीं रखते इसलिए मैं बोल देता हूं। लेफ्ट साइड से करवट बदल के वज्रासन में आइए। ये सब आपको चैंपियनशिप में ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार मैंने ध्यान नहीं रखे थे इसलिए मैं बोल दिया ना, आना जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाद में प्रश्न पूछिएगा मुझसे, मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है योग। वृश्चिक आसन, नाम और उसका स्वभाव को धारण करें। प्रारंभ, हाँ, ये सब नियम बता दिया गया है, कोई बात नहीं, अब आप लेट जाइए सब आसन पे, टू ही बात है, ट्राई कर लीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, साम्यावस्था। साम्यावस्था आ जाए, साम्यावस्था आ जाइए। समय भी, समय सीमा का भी ध्यान रखना है आपको, एक आसन करने के लिए मैक्सिमम एक मिनट दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। महिला
आपको तो पूरा समय दिया जा रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ प्रारंभ, फिर स्थिति, साम्यावस्था, इतना समय दे रहा हूँ, तो आप लोग आराम से करिए आनंद लेते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, रेडी है सभी? सांस सामान्य हो गई, दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं, चेहरे पर प्रसन्नता, तनाव नहीं आना चाहिए। हलासन का अभ्यास करेंगे, मन में जो प्रश्न होगा आप सभी लोग जो व्यूअर्स बैठे हैं उसको कॉपी में लिख लेंगे, नोट पर रखे हैं, करते समय जो अभ्यास में आप तभी आप लोग यहाँ से सीआरटी से संदेश लेके जाइए, क्योंकि आपको सर ने बोला कि आपका उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं है, कराना भी है, ठीक है। स्थिति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साम्यावस्था, साम्यावस्था मतलब रिलैक्स पोजीशन। जिनके मन में जो प्रश्न होगा कॉपी में लिख लेंगे, सेशन के अंत में आप अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करेंगे, जिससे आप विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण दे सके। नेक्स्ट अभ्यास साम्यावस्था के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। सर्वांगासन का अभ्यास, सभी अंगों के लिए एक आसन जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल आसना, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ये सभी आसनों की माता कही जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। सर्वांगासन का अभ्यास प्रारंभ, मैं तीन पोजीशन बोलता हूं, प्रारंभ, स्थिति और समय स्थिति, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रारंभ, तो सभी लोग सर्वांगासन में आए, स्थिति काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी, स्थिरता हो जानी चाहिए, आपकी बॉडी स्थिर हो जानी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 समय स्थिति। आपका आने जाने के क्रम में भी विवर्स नंबर देंगे, जेसेस नंबर देंगे, इसका ध्यान रखेंगे। कितना समय लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वांगासन के बाद आप सभी पेट के बल लेट जाएंगे और फेस चाहे जजेस की तरफ कर ले। उठने का तरीका जजेस नोट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, उठने का तरीका, आने का तरीका, जाने का तरीका, ना सब जजेस देख रहे हैं आप, विवर्स भी देख रहे हैं, नंबर उसी हिसाब से मिलेगा। धनुरासन, साम्य स्थिति में आ जाएंगे, प्रारंभ धनुरासन, 1 स्थिति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 साम्यावस्था। चेहरे पे प्रसन्नता कहां गायब हो जाती है आप लोगों की, तनाव चेहरे पे नहीं आती, धनुरासन मुखाकृति सुंदर बनाती है, आवाज मधुर करता है ना, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, किससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आपका जो इंगड़ा पिंगला नाड़ी सुषुम्ना होती है वो बैलेंस हो जाती है, हठियों की आप उत्तम श्रेणी में पहुंच जाते हैं धनुरासन का अभ्यास करने पर। साम्यावस्था के बाद आप करेंगे जजेस इसकी मार्किंग कर देंगे और इसके बाद विवर्स देख रहे हैं, जजेस देख रहे हैं आपको, इसके बाद आप लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे और मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे पूरे, एक बार ताली बजा दीजिए हमारे गुरुओं के लिए जो आते हैं, एक बार ताली करके स्वागत करिए, अच्छा लगेगा, आपको भी ऊर्जा प्रदान मिलेगी। रेडी हैं आप लोग? मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार अभ्यास करेंगे हम लोग, आप सभी, मैं मंत्र बोलूंगा उस वक्त आप अभ्यास करें, अपने पोजीशन में आ जाएं, मैं एक फीट दूर करिए, पीछे ज्यादा पीछे नहीं, एक फीट पहले आइए, आगे आइए बस। चलिए प्रारंभ, ॐ खगाय नमः।
रिलैक्स। नेक्स्ट क्रम में आपका जलनिधि का अभ्यास है, तो आप सभी लोग तैयार हैं, श्वास सामान्य है, कोई दिक्कत तो नहीं? योगी तनाव तुरंत बता दीजिएगा, समाधान मिल जाएगा। चलिए तो एक ही कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक चीज और, आप लोग थोड़ा प्रतियोगिता लिखा हुआ है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है? योग वैसे प्रतियोगिता नहीं है, साधना है, लेकिन फिर भी अगर प्रतियोगिता है तो प्रदर्शन का ध्यान विशेष रूप से देना है। तो आपको एक बार एक लोग को जलनिधि करने में सिर्फ एक मिनट दिया जाएगा, और इसमें आपको अच्छे से जाना है, अच्छे से आना है, अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, तीनों चीज, ठीक है? देखिए सभी लोग ये ध्यान रखेंगे क्योंकि समय सीमा का भी ध्यान रखना है, तो आप सभी अपना सामग्री निकाल के पहले तैयार रखना है। ये नहीं कि जब आपको कहा जाए जल्दी करना है या रेडी रहे तो आप अपना लोटा ढूंढ रहे हैं ना, आपको पहले से पता है, नोटिस जा चुकी है, तो अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। अथ योग अनुशासन, अनुशासन योग की पहली सीढ़ी है, अनुशासन के बिना योग नहीं संभव है। मुश्ताक जी पहले करेंगे। हाँ, कहाँ है मुस्ताक जी? आप लोग सभी लोग अपना सामग्री जरूर रेडी रखें, दोबारा करना ना पड़े। चलिए आ जाइए नूर रजा सर, किसी को आप कहना ना पड़े, लोटा वगैरह अपना बाहर निकाल के रखें, आप समय बचाना है।